एक ऐसा देश जहां यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इमारत स्थित है और यहां का राष्ट्रीय पक्षी बाज है। ये देश इतना सुंदर है कि यहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। यहां की पुरानी परंपराओं में सामूहिक स्नान शामिल है। यहां पर पहली बार बच्चे के जन्म पर माता पिता को 10 लाख रुपए मिलते हैं और दूसरे बच्चे के जन्म पर ये राशि बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाती है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। हालांकि इस देश की आबादी लगातार घट रही है, जिसके कारण सरकार माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए लाखों रुपए देती है। इस देश की खूबसूरत इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और समृद्ध इतिहास बहुत ही रोचक है। हर साल 1.6 करोड़ लोग इस देश की सैर करने आते हैं। यहाँ के चर्च और महल देखने लायक है। दोस्तों, ये है हंगरी, जो यूरोप के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच आता है। इस देश में पिछले कई सालों से जनसंख्या का ना बढ़ना परेशानी की बात रही है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी घोषणा की गई थी, जिसमें जो परिवार ज्यादा बच्चे करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे और सुविधाएं दी जाएगी। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही। हंगरी का क्षेत्रफल केवल 93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया का 108वां बड़ा देश है। इस देश में केवल 96 लाख लोग रहते हैं, जिसमें पुरुष केवल 86 लाख है, जबकि महिलाओं की आबादी 50 लाख है। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट इस देश का सबसे खूबसूरत शहर है। ये शहर पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर अपने शानदार आर्किटेक्चर, ऐतिहासिक जगहों और संस्कृति के लिए मशहूर है। ये है हंगरी का संसद भवन, जो यूरोप की सबसे बड़ी संसद भवनों में गिनी जाती है। इसका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया है, जिसे गॉथिक कहते हैं। इसमें गुंबद शामिल है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनके शीशे रंगीन हैं और दरवाजे की शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें केवल हंगरी में ही देखने को मिलती है। ये है बुद्धा कस्टल, जो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे पुराने रॉयल पैलेस के हिल टॉप पर बनाया गया है। यहाँ से खड़े होने पर पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। ये एक समय में यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था। कई अलग अलग राजा यहाँ रहे, जिन्होंने इसे अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाई। इस कैसल के अंदर हंगेरियन नेशनल गैलरी भी है, जहां देश की चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें इसके इतिहास को संजो कर रखा गया है। ये है थर्मल बाथ। इसमें लोग इकट्ठे होकर गर्म पानी से नहाते हैं। ये स्नान घर नेचुरल थर्मल स्प्रिंग से पानी लेते हैं, जो जमीन के नीचे गर्म होता है। इस पानी में कई तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की चमड़ी के लिए फायदेमंद है। लोग इस गर्म पानी से घंटों नहाते हैं और आराम करते हैं। इस स्नान घर के बाहर एक गार्डन भी बना हुआ है। यहाँ लोग अक्सर नहाने के बाद जाते हैं। इस तरह के स्नान घर हंगरी में हर जगह देखने को मिलते हैं। साथ ही ये रूथ बाथ 425 साल पुराना है, जिसे 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। ये है हंगरी की सबसे बड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी। हंगरी की नेशनल लैंग्वेज भी हंगेरियन है। आज जिस बॉलपेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, उसकी खोज हंगरी में ही हुई थी। इसके अलावा रूबिक क्यूब, जो विश्व प्रसिद्ध पजल है, उसे भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश मौजूद है। यहाँ एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है, जहाँ 10 से 14 साल के बच्चे टिकट काउंटर पर खड़े होते हैं और टीटी का काम भी करते हैं। इसे चिल्ड्रन रेलवे कहते हैं। ये रेलवे लाइन राजधानी बुदापेस्ट के पास बुद्धा हिल्स में मौजूद है। ये बच्चे एक ट्रेनिंग कोर्स के बाद यहाँ अलग अलग रोल संभालते हैं, जिसमें उन्हें रेलवे की बेसिक जानकारी दी जाती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा एक बड़ा आदमी भी होता है। हंगरी की मेट्रो काफी पुरानी मानी जाती है, जिसे 166 में शुरू किया गया था। हंगरी में एक गाना ऐसा भी है, जो इतना दुखद है कि इसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस गाने का नाम है गैलूमी संडे। इस देश के लोगों को पानी से बहुत प्यार है। यहाँ बहुत सारे इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल बने हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग तैराकी करना जानते हैं।